लाल ठाकुर की अगर बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि न केवल हिमाचल प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो बीजेपी जो है वो अपने प्रत्याशी के नाम पे वोट नहीं मांग रही, चाहे वो बीजेपी का छोटा नेता है चाहे वो बड़ा नेता है। इस बार जो वोट है, क्योंकि अगर मैं पूरे हिमाचल घूमा हूँ तो अगर होर्डिंग्स लगे थे बड़े बड़े बीजेपी के, तो उसमें मैंने किसी चारों लोकसभा सीटों में, चारों संसदीय क्षेत्र में किसी भी प्रत्याशी की बीजेपी की उस होर्डिंग में फ़ोटो नहीं देखी। पहली फ़ोटो प्रधानमंत्री की है, दूसरी मुख्यमंत्री की है और तीसरी अमित शाह की है। तो ऐसे में चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी को ही बनाया जा रहा है कि आप प्रधानमंत्री मोदी को वोट दीजिए। तो बिल्कुल है, अब ये वोटर के ऊपर जाता है कि उसकी सोच कैसी है, वो प्रधानमंत्री के फेस को देता है, ये उसकी सोच है। और जैसे कि हम देख रहे हैं 1 बजे तक 43% वोटिंग होना, अगर ये 70% पार कर जाता है तो बीजेपी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि 2014 में 64% जो फीसदी मतदान हुआ था। तो ऐसे में अगर ये 70 क्रॉस कर जाता है तो फिर मोदी का चेहरा भी कहीं ना कहीं फीका पड़ जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कुल मिला के अगर हम बात करें हमीरपुर के पूरे सिनेरियो की, कि जिस तरह से आपने बहुत वक्त वहाँ पे गुजारा और बहुत सारे लोगों से भी बात हुई होगी, राजनीति से जुड़े हुए लोगों से भी, आम कार्यकर्ताओं से भी, आम वोटर से भी, जिस तरह से आप एक चीज़ कह रहे थे कि अनुराग ठाकुर के प्रति लोगों में जो वोटर हैं उनमें नाराज़गी है, लेकिन बात वहीं आती है कि इस बार के चुनावों में ये एक चीज़ बड़ी हैरानकुन होने वाली है कि और शायद इसी वजह से इस बार के जो रिजल्ट हैं, जो अभी तक जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं, अभी तक कोई बहुत तसल्ली बख्श कोई अंदाजे निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है इस बार के चुनावों में इनमें, कि अगर वोट मोदी के नाम पे डाला जा रहा है तो जिन लोगों से आपकी बात हुई तो वो किस तरह से, अनुराग ठाकुर के लिए तो वो नाराज़गी जताते हैं, लेकिन क्या मोदी के नाम पे वोट डालना चाहते हैं या फिर उस नाराज़गी को वो कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए देखते हैं? हाँ, कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर वोट करेंगे, अपने सांसद के चेहरे को देखकर नहीं, क्योंकि कुछ लोग हैं, कई ऐसे कई लोगों से भी बात हुई जो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को एक बार मौका फिर से मिलना चाहिए 2019 में। लेकिन फिर वही मैं बात करूंगा कि अनुराग ठाकुर की छवि की नाराज़गी लोगों में वही थी कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए, उससे पीछे कई बार उन पर लांछन भी लगे, चाहे वो जो धर्मशाला के स्टेडियम के साथ जो होटल को ज़मीन दी गई थी कुछ 1 रुपया गज के हिसाब से, सरकारी रेट के हिसाब से, तो लोगों में कहीं ना कहीं उनके प्रति नाराज़गी है। फिर बात करूँ मैं ट्रेन को लेकर, क्योंकि लगातार राम लाल ठाकुर की अगर कैंपेनिंग की बात करूँ तो उनके जो लोग, उनके जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा ध्यान हमीरपुर में इस ट्रेन को लेकर जो है वो अनुराग ठाकुर को घेरा है, तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भुना भी रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर ये मोदी वाला भी आ जाता है, तो ये थोड़ा लगभग मतलब कहेंगे बराबर सा ही रहेगा कि ना ज़्यादा नुकसान और ना ज़्यादा फ़ायदा, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को भुना ले गए हैं ट्रेन वाले। आपके कहने का जो जितनी भी हमने अभी तक बात की है हमीरपुर के जो समीकरण हैं, मुझे आपके जो बताई हुई बातों से आपको लगता है या मुझे लग रहा है कि ये एक तरफा मुकाबला नहीं है बल्कि एक कांटे की टक्कर होने वाली है? बिल्कुल, जैसे कि अगर बीजेपी समर्थकों की माने तो जैसे वो कह रहे हैं कि जीत का चौका लगाएंगे, तो ये ना केवल हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बात करूँगा, क्योंकि मैंने लगातार जो 28 दिन है वो चारों संसदीय क्षेत्रों में, मैं सभी विधानसभाओं में और हर एक इंटीरियर, मतलब अगर मैं कुल्लू के आखिरी गांव तोश की बात करूं तो उस आखिरी गांव में भी गया हूं, मैं कसोल में भी गया हूं, अगर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, ऐसे ही हमीरपुर की बात करें या शिमला की बात करें, तो मतलब लगभग सारे गाँव में मैं जा चुका हूँ। तो ये मतलब चौका वाली बात जो है वो इस अभी कहना तो नागवार होगी, लेकिन हाँ टक्कर पूरे हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी इस बार। मतलब हमीरपुर सीट की सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, तो हमीरपुर सीट पे अगर हम बात करें तो भले ही अनुराग ठाकुर पिछले एक अरसे से वहाँ से सांसद हैं, लेकिन इस बार जो रामलाल ठाकुर ने टक्कर पूरी दे रहे हैं, और जो कार्यकर्ता हैं अगर वो गुस्से में हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं थोड़े नाराज़ हैं अनुराग ठाकुर से, तो हम मान सकते हैं कि मुकाबला इतना आसान नहीं है और नतीजा कुछ भी हो सकता है। बात करें हम इसके बाद दूसरे नंबर की सीट, हॉट सीट की, मंडी की। मंडी से पंडित सुखराम के पोते आशय शर्मा हैं और उनके मुकाबले में रामस्वरूप शर्मा हैं, तो इस मुकाबले को लेकर लोगों में किस तरह का रुझान है? रामस्वरूप शर्मा की बात करें तो मंडी जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उनका गुस्सा मैं बताऊं, अगर रामस्वरूप भी देख रहे होंगे तो शायद वो इस चीज़ को मानेंगे या नहीं मानेंगे उनके ऊपर है। वहाँ के लोगों का कहना है कि जब से रामस्वरूप सांसद बने हैं गाँव में एक बार भी किसी भी गाँव में चक्कर लगाने नहीं आए।
क्योंकि राम स्वरूप शर्मा का जो सांसद बनना है वो मोदी वेव, जब 2014 में मोदी जी की लहर थी उस लहर में वो उनकी नैया पार हो गई थी, तो वो एक एडवांटेज मिला था उन्हें कि जैसे कहते हैं ना गिफ्ट में मिल गया उनको वो ये सीट। तो लोगों में नाराज़गी है कि रामस्वरूप शर्मा जो है उनसे मिलने तक नहीं आए। रामस्वरूप शर्मा जैसे आप कह रहे हैं कि लोगों में नाराज़गी है कि वो सांसद तो भले ही हैं लेकिन वो कभी अपने जमीनी नेता के तौर पे नहीं आए, लोगों से कम मिलते जुलते हैं। लेकिन इसके साथ ही आप बात कर रहे हैं मोदी वेव की कि उनको 2014 में अगर वो सांसद बने थे तो वो मोदी वेव की वजह से बने थे, तो इस बार क्या लगा आपको कि मोदी वेव, इस वोट तो इस बार भी मोदी के नाम पर डाले जा रहे हैं? मोदी के नाम पर जरूर डाले जा रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ज़रूर कहना चाहूँगा, जितना कि मैंने सर्वे किया है, लोगों से बातचीत करी है, जो मोदी वेव 2014 में थी वो लगभग 30-35% अब घट चुकी है। वो मोदी लहर के चलते रामस्वरूप शर्मा सांसद बने थे। मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो आश्रय शर्मा एक युवा नेता, अगर मैं इससे इतिहास की बात करूं तो वीरभद्र सिंह अपनी 31 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने थे और 6 बार मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। आश्रय शर्मा भी मेरे ख्याल लगभग 30 साल की उम्र उनकी उम्र है। और पंडित सुखराम का नाम अगर हिमाचल प्रदेश में लिया जाता है तो वो संचार क्रांति के मसीहा के तौर पे लिया जाता है, संचार क्रांति के जो है वो देन उनकी है। बिल्कुल, तो पंडित सुखराम एक बड़ा नाम है। उनके पिता की बात करें आश्रय शर्मा के, अनिल शर्मा की, तो वो भाजपा की कैबिनेट मंत्री थे। जब आश्रय शर्मा को कांग्रेस ने टिकट दिया तो उन्होंने इस्तीफा दिया अपना कैबिनेट मंत्री से, लेकिन विधायक अभी हैं, लेकिन प्रचार करने भी नहीं आए। लेकिन आश्रय के प्रचार की अगर बात करें तो उनकी जो धर्मपत्नी है राधिका, वो लगातार महिलाओं में जा रही हैं पिछले 20-22 दिन से, और पंडित सुखराम की अलग छवि है, वो भी लोगों के बीच में जा रहे हैं, और आश्रय शर्मा का एक अलग ही है युवा चेहरा है, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि जब वो अगर मंच पर जाते हैं बोलना शुरू करते हैं लोग सुनते हैं, क्योंकि सच साफ सभी के हैं। अच्छा, फिर बात करें, हिमाचल के लोग बड़े शरीफ और बहुत ईमानदार लोग हैं, तो वो मतलब जो हीरो होते हैं ये फिल्मी हस्तियां उनको पसंद करते हैं। ऐसे में एक एडवांटेज और मिला आश्रय शर्मा को, क्योंकि उनका भाई जो है वो फिल्मी हस्ती है, सलमान खान के परिवार से रिश्ता हो चुका है उनका। थोड़ा सा नाराज़गी ज़रूर मैं कहूँगा कि आश्रय के समर्थकों की हुई, क्योंकि सलमान खान जो है वो प्रचार प्रसार में नहीं है। लेकिन ऐसे में छवि की बात करी जाए आश्रय शर्मा की तो ये एडवांटेज है, और ये दोनों सीट जो है जो हॉट मानी जा रही है उसकी गर्मी की जो तपिश है वो शायद 23 तारीख को देखते हैं किसको तपाती है। आश्रय शर्मा की अगर आप बात कर रहे हैं कि सुंदर है, जवान है, और उसके जो रिश्तों की अगर बात करें, भाई फिल्मी दुनिया में है, सलमान खान का नाम जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले कुछ घटनाक्रम पे अगर हम नज़र डालें दीपक, तो जो पिछले कुछ अरसे में जो चीज़ें घटित हुई हैं, जैसे पंडित सुखराम ने बीजेपी से टिकट मांगी थी अपने पोते के लिए, उनको टिकट नहीं मिली तो उन्होंने बीजेपी छोड़ के और कांग्रेस ज्वाइन कर ली, कांग्रेस ने उनके पोते को टिकट दे दी। पिता आश्रय शर्मा के बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर थे, लेकिन जब मीडिया में बातें आने लगी कि प्रचार कैसे करेंगे क्या होगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अभी भी पार्टी में हैं वो। तो इस सारी चीज़ों को आपको क्या लगता है कि ठीक है उनकी सुंदरता को या जवान देख के उनके प्रचार प्रसार में जिस तरह से भीड़ जुट रही है, वोटों में कितना तब्दील कर पाएंगे इसको आश्रय? हाँ बिल्कुल, वही मैंने कहा कि ये दोनों हॉट सीट हैं और इसकी तपिश जो है वो किसको तपाती है ये 23 तारीख को पता लगेगा। लेकिन मतलब जैसे कि कहा जा रहा था कि हाँ एक तरफा होगा, इस बार एक तरफा कुछ भी नहीं है। क्या लोगों में कहीं ये भी सुनने को मिला कि इस बात का भी गुस्सा है कि अपने लिए चुनाव आजकल नेता लोग लड़ते हैं, पब्लिक के लिए नहीं लड़ते हैं, जिस तरह के वो लेते हैं डिसीजन लेते हैं, जिस तरह से अगर वहाँ से टिकट नहीं मिली तो वो पार्टी छोड़ दी और उसमें आ गई, कुछ इस तरह का गुस्सा कहीं लोगों में है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला, क्योंकि वही मैं छवि की बात कर रहा हूँ, और क्योंकि फिर से मैं बोलूँगा कि पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग, तो युवा चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है, लोग नेतृत्व चाहते हैं कि पढ़ा लिखा नेतृत्व हो। अगर रामस्वरूप शर्मा की बात की जाए तो वही नाराज़गी जो मैंने पहले कहा कि नहीं दिखाई देते वो लोगों के बीच, ज़मीनी नेता अगर होता है वो लोगों से जाए मिले तो लोगों में एक अलग से ही वो रहता है कि नहीं हमारा नेता भले ही काम नहीं किया लेकिन चलो हालचाल पूछने तो आता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो नाराज़गी है। और आश्रय शर्मा की बात करें तो ये छवि जो है युवा नेता की और पढ़े लिखे उसकी तो लोग देख रहे हैं, और पीछे फिर जो पंडित सुखराम का बैकग्राउंड है तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि पंडित सुखराम ने क्या कुछ किया मंडी के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए पूरे, तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी देख रहे हैं। क्योंकि अगर मंडी की बात करें तो मैं पहली बार गया था
वहाँ पर इंदिरा मार्केट है एक, तो वो उस मार्केट के बीच में, मतलब चारों तरफ वो मार्केट है और बीच में सेंटर में पार्क है, मतलब अपने आप में ये एक अलग सी चीज़ लगती है, तो वो काम किया हुआ दिखता है। और जब मैंने लोगों से वहाँ पे पूछा कि ये कैसे बना, किसके समय में बना, तो लोगों का कहना था कि ऊपर से पानी आता था, ये नाला था ये जिस जगह पे मार्केट बनी है, तो मतलब एक नाले की जगह पे एक ऐसी चीज़ बनना, तो वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो नेता था, चाहे पंडित सुखराम की बात करें, उनके वक्त में हुआ था ये सब, तो ये छवि सुधारता है इस चीज़ को। कुल मिला के जिस तरह दीपक बता रहे हैं कि अगर मंडी जो दूसरे नंबर की हॉट सीट है अगर वहाँ की बात करें, तो बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है कि चारों की चारों सीटें हम जीतेंगी, आश्रय का युवा होना और उसका बैकग्राउंड को देखना, या पंडित सुखराम की बैकग्राउंड को देखना, या उनका जो काम है हिमाचल में देखना, मंडी की सीट भी बीजेपी के लिए इतनी आसान नहीं रहने वाली है। मुकाबला कड़ा होगा, एक तरफा नहीं होने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, मुकाबला एक तरफा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रामस्वरूप शर्मा को लोग बड़ी, अगर मैं साफ तौर पर कहूँ तो, बिल्कुल नकार चुके हैं। मुकाबला एक तरफा कांग्रेस के लिए इसलिए नहीं है, जैसे कि पिछली बार, कि चेहरा मोदी है, तो इसलिए कड़ा होगा मुकाबला। अब वो 23 तारीख को पता लगेगा कि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है और क्या निकलता है। बात करेंगे हिमाचल की तीसरी सीट, हिमाचल की राजधानी शिमला की। शिमला का माहौल कैसा है, मौसम वहाँ पे? शिमला का मौसम बढ़िया है, अभी पिछले दिनों बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन राजनीतिक माहौल वो गर्मा गया है, क्योंकि जो डॉक्टर कन्नन धनीराम शांडिल हैं, आपको मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस जो है वो एक कैंडिडेट को, इसको कांग्रेस चुनाव लड़ा रही है, कर्नल धनीराम शांडिल को। क्योंकि अगर बात करें कुलदीप सिंह राठौर की, तो जो ठियोग विधानसभा है वो ठियोग के गृह क्षेत्र है राठौर का। राठौर लगातार ठियोग में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर बात करें रजनी पाटिल की, तो वो धनीराम शांडिल के लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। और 17 तारीख को भी जो राहुल गांधी की आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार वाले दिन रैली हुई है, उसमें भीड़ देखकर और कार्यकर्ताओं का जोश देखकर, मतलब एक वेव, एक हवा सी समझ आती है कि शांडिल वो भी एक चेहरा जो है। कांग्रेस ने इस बार, कांग्रेस ने चतुरता दिखाई है बड़ी इस बार लोकसभा चुनाव में, क्योंकि चेहरे बहुत सोच समझकर और साफ छवि वाले उतारे हैं। कर्नल धनीराम शांडिल से मैंने बात करी, वो 3 बार जंग लड़ चुके हैं, क्योंकि वो कर्नल रिटायर हुए थे आर्मी से। ऐसे में उनकी छवि जो है, जब वो सांसद थे इनकी पंडित सुखराम की पार्टी से पहली बार सांसद बने थे, उसके बाद ये कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2004 में ये चुनाव जीते थे, 2004 में चुनाव जीते थे। जब 2009 में इन्हें टिकट मिला पंडित धनीराम शांडिल को, तो ये चुनाव जो है हार गए थे। तो ये सोनिया गांधी के पास गए कि आपने मुझे टिकट दिया, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं चुनाव हार गया, मैं वो मेहनत नहीं कर पाया। तो ऐसे में पूरे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में एक ही नेता ऐसा हुआ है जिसको CWC का मेंबर बनाया गया है, वो है कर्नल धनीराम शांडिल। तो हारने के बावजूद भी सोनिया गांधी ने उनको CWC का मेंबर बनाया। तो ऐसे में बहुत चतुरता इस बार कांग्रेस ने दिखाई, जो कि ऐसे छवि वाले जो है प्रत्याशी उतारे। इसी के साथ दीपक, हमें एक लेना पड़ेगा छोटा सा ब्रेक। छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे शिमला ही सीट की, कि वहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, और किस तरह से इस सीट जो है, किस तरह का मौसम शिमला में देखने को मिल सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक मौजूद हैं। दीपक से जानते हैं कि किस तरह के समीकरण इस बार बन रहे हैं शिमला में। शिमला हिमाचल की राजधानी है। जो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं इस बार, सुरेश कश्यप, वीरेंद्र कश्यप पहले सांसद दो बार के रह चुके हैं, उनकी टिकट काट के बीजेपी ने इस बार सुरेश कश्यप को टिकट दी है। मौजूदा समीकरण किस तरह से है? शिमला में भी काफ़ी देर बिताए आपने, काफ़ी पल बताए हैं। मैंने पहले भी ये कहा कि जैसे डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल की बात करें, वो 2 बार सांसद रहे हैं और अभी मौजूदा जो है विधायक हैं सोलन से। तो ऐसे में सुरेश कश्यप को बीजेपी ने टिकट दिया, और वीरेंद्र कश्यप जो 2 बार सांसद थे शिमला से, उनका टिकट कटा। तो कहीं ना कहीं ये सेटबैक होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि 2 बार का मौजूदा सांसद रहना और उसको टिकट ना मिलना, और सुरेश कश्यप को उसके बाद टिकट मिलना। अब ऐसे में क्योंकि 2 बार सांसद रहे हैं धनीराम शांडिल भी, तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाएगा। दूसरा, मैंने पहले भी कहा कि 4 संसदीय सीटों पर जो है, अकेली शिमला एक ऐसी सीट है जिसको कांग्रेस पार्टी धनीराम शांडिल को लड़ा रही है। बात करें प्रभारी रजनी पाटिल की, लगातार
वो अपनी पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने करी, गांव-गांव गई। बात करें कुलदीप राठौर की, अध्यक्ष हैं तो ठियोग उनका गृह क्षेत्र है, उन्होंने ठियोग हो चाहे फिर जुब्बल नावर कोटखाई हो, या फिर बात करें हम कसौली विधानसभा की, क्योंकि 17 विधानसभाएँ आती हैं हर एक संसदीय क्षेत्र में हिमाचल के, तो ये लगातार कांग्रेस जुटी हुई है। और इनका जो नेतृत्व है, चाहे वो विधायक जीता हुआ है या फिर पूर्व विधायक रहे हैं इनके विधानसभा क्षेत्रों में, वो अपने स्तर पे बूथ लेवल की मीटिंग्स कह लें या कार्यकर्ताओं की मीटिंग्स, पब्लिक मीटिंग्स, वो लगातार करने में जुटे हुए थे। तो ऐसे में एक सीट ये है जिसको पूरी कांग्रेस लड़ा रही है, पूरा जोर कांग्रेस ने लगाया। तो ऐसे में ये कहना बड़ा आसान होगा कि धनी राम शांडिल के लिए जो संकेत हैं शिमला संसदीय क्षेत्र के, वो बहुत बेहतरीन और अच्छे होने वाले हैं। आप जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए शिमला में जो है वो माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से देखें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिमाचल में बीजेपी की सरकार है, शिमला की अगर बात करें, राजधानी है और राजनीति का केंद्र शिमला में है, तो कितना आसान रहेगा वहाँ पे धनराम? क्या उसकी छवि की वजह से आप इतना कह रहे हैं कि उसकी छवि की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, नेता की छवि करके कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी ये सांसद थे अपने समय पे, तो जो गांव के लोगों कहना है कि जो सांसद निधि से, चाहे इन्होंने पिछड़े से पिछड़े गांव, बैकवर्ड से बैकवर्ड, मतलब इंटीरियर में भी चाहे 10,000 रुपया दिया, लोगों का कहना है ऐसा कि उन्होंने अपनी सांसद निधि में से पैसा दिया है उनको, तो ऐसे में वो चाहते हैं कि धनीराम शांडिल को वो जिताएं। फिर बात करूंगा नरेंद्र मोदी के चेहरे की, बिल्कुल शिमला संसदीय क्षेत्र में थोड़ा फैक्टर और नरेंद्र मोदी के चेहरे का है, लेकिन नाराज़गी फिर मैं ये बताऊंगा कि अमित शाह जब आए थे तो उन्होंने हाटी समुदाय के लिए बड़े बड़े दावे किए थे। शिमला संसदीय क्षेत्र में हाटी समुदाय के लगभग लगभग 3 लाख के आसपास वोट हैं, और पूरा का पूरा हाटी समुदाय जो है नाराज़ है बीजेपी से, तो ये सेटबैक होगा बीजेपी के लिए और धनीराम शांडिल के लिए, मतलब एक मील का पत्थर साबित होगा ये हाटी समुदाय, क्योंकि 3 लाख वोट अपने आप में बहुत बड़ी एक वोट। चुनावों की इस चर्चा में शिमला सीट की भी अगर जितनी हमारी अभी तक बात हुई है, शिमला सीट भी इतनी आसान नहीं लग रही है बीजेपी के, भले ही दावे करे चारों सीटों को जीतने की, लेकिन फिलहाल हिमाचल की एक तीसरी सीट के जो समीकरण बन रहे हैं उनमें मुकाबला जो है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं लग रहा है। जिस तरह की बातें मेरे सहयोगी हमें बता रहे हैं, करीब एक महीना पूरे हिमाचल में गुजार के आए हैं, लोगों से बात की है, बहुत करीब से हिमाचल के लोगों से बातचीत हुई है और लोगों ने अपने दिल के पत्ते भी उनके सामने खोले हैं, तो जिस तरह की इनपुट्स मिल रही हैं मुकाबला इतना आसान नहीं लगने वाला है। बात करते हैं चौथी सीट की, कांगड़ा की। कांगड़ा की अगर हम बात करें दीपक, तो कांगड़ा चारों सीटों में सबसे अलग ठंडी सी और कूल सी सीट ज़्यादा बातचीत नहीं लग रही है, ज़्यादा शोरगुल नहीं है, तो कांगड़ा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कांगड़ा का जी देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं कांगड़ा से किशन कपूर, और कांग्रेस के जो हैं उम्मीदवार हैं वो पवन काजल हैं। अब ऐसे में फिर मैं बात करूँगा, शांता कुमार सांसद होते थे कांगड़ा से, शांता कुमार का टिकट कट गया और ऐसे में किशन कपूर को टिकट दिया गया। कांगड़ा की बात अगर मीडिया में की जाए, या फिर वैसे जैसे अभी आपने कहा कि ठंडा सा माहौल है, बिल्कुल ठंडा सा है, ये कहना मेरे लिए बिल्कुल भी, मैं बिल्कुल इसमें मैं हिचकिचाऊंगा नहीं कि कांगड़ा की जो सीट है वो क्लियर है पवन काजल के लिए, क्योंकि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री, बात करें जयराम ठाकुर की, वो साख की लड़ाई में लगे हुए हैं मंडी सीट बचाने के लिए, क्योंकि मंडी सीट अगर वो बचा पाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी हैं वो काबिज़ रहेंगे अपने सीट पर, और अगर जो मंडी सीट जाती है तो ऐसे में जयराम के लिए शायद मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि लगातार जयराम ठाकुर मंडी में ही डटे हुए हैं उस सीट को बचाने के लिए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जैसे पूरा जो पूरा अमला है, अगर हम जयराम ठाकुर के साथ पूरे अमले की बात करें हिमाचल सरकार की, बीजेपी सरकार की, तो वो ज़्यादा करके मंडी सीट पे ज़्यादा केंद्रित हैं, कांगड़ा सीट की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका क्या खामियाजा उनको भुगतना पड़ता, तो क्या मतलब इससे कांग्रेस को इससे फ़ायदा होता नज़र आ रहा है? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सारा ध्यान ही केंद्रित एक सीट पर किया हुआ है, जबकि उनको ज्ञात है कि और भी 3 सीटें हैं, चाहे कांगड़ा है, चाहे शिमला है, हमीरपुर है, लेकिन उन्होंने सारा ध्यान जो है केंद्रित कर रखा है मंडी सीट पर, क्योंकि मंडी सीट पर जो है आश्रय शर्मा की अगर छोटी जनसभाएं हुए, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सुनने आ रहे हैं उन्हें, तो क्योंकि एक रैली में मैं गया था तो उसमें देखा था इनका रोड शो निकल रहा था, तो वहां पर 400-500 लोग थे जिसमें जयराम ठाकुर ने आना था, और जयराम ठाकुर आए आधे घंटे के बाद, वो रैली को संबोधित करके चले गए। और इनके रोड शो की बात करें तो लगभग
160-170 गाड़ियाँ थी इनके रोड शो में। तो ऐसे में अगर एक आश्रय शर्मा के, तो ऐसे में अगर एक गाड़ी में 4 से 5 लोग हैं और मल्टीप्लाई बाय 160-170 करें तो उनकी रैली से कई अधिक हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आश्रय के लिए लोग जुट रहे हैं। और मंडी जो है वो उनकी साख की लड़ाई है मुख्यमंत्री जयराम की, क्योंकि वो उनका एक विधानसभा क्षेत्र भी है, गृह क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं ये साख बचाने में जयराम ठाकुर लगे हैं। बाकी ये 23 तारीख को मालूम होगा, अभी तो महज औपचारिकताएँ ही हम कह सकते हैं, क्योंकि लोग कैमरे के आगे बोलने से हिचकिचाते हैं। जो सरकारी जो नौकरी करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं डर है कि शायद उसकी नौकरी पे ना बात आए। तो ऐसे में जो साइलेंट वोटर है वो कहीं ना कहीं किसको फ़ायदा पहुंचाता है और किसको नुकसान, ये तो अंडर करंट की जो बात चल रही है, अंडर करंट, ये जो शब्द अभी कुछ समय पहले जो निकल के आया है, अंडर करंट का मतलब ये निकाला जा रहा है कि जो अंडर करंट चल रहा है वो मोदी के खिलाफ चल रहा है, वो साइलेंट वोटर है, वो किसी से कुछ कहता नहीं है। लेकिन क्या इसको मान सकते हैं कि कांगड़ा की सीट वन साइडेड होकर जा रही है? कांगड़ा की सीट मैं कहूँगा, क्योंकि आपको भी बताया, अगर मैं कैलकुलेटिव जैसे सर्वे हमने छत्तीसगढ़ का किया था विधानसभा चुनाव में, 5 राज्यों के चुनाव थे, तो भले ही हमने 5 राज्यों का सर्वे किया लेकिन जो हमने सर्वे दिखाया वो 3 राज्यों का दिखाया, क्योंकि कैलकुलेटिव बात होती है, इसमें कोई इफ एंड बट होता नहीं। तो वो तीनों के तीनों राज्य एज इट इज़ ही निकल गया है हमारे सर्वे के अनुसार। तो ऐसे में फिर इसीलिए कैलकुलेटिव बात करता हूँ, क्योंकि मान लीजिए मैंने कांगड़ा की 200 लोगों से बात की, तो 200 में लगभग अगर 120 भी क्रॉस कर जाते हैं कि नहीं शांता कुमार को नहीं दिया चांस बीजेपी ने, तो वो किशन कपूर को नहीं वोट पाएगा। शांता कुमार की अगर हम बात करें तो ये एक ट्विस्ट आपके कहने के मुताबिक वहाँ पे बन रहा है, शांता कुमार की एक पैठ है इस इलाके में, एक दिग्गज नेता है वो बीजेपी के, और शांता कुमार को टिकट ना देकर ऐसा भी माना जा रहा था कि जिस तरह से खबरें आई थी कि शांता कुमार इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने कहा, तो शांता कुमार का टिकट काट के अगर बीजेपी अपना दूसरा उम्मीदवार उतारती है तो इसका कितना असर देखने को कांग्रेस में? इम्पैक्ट वही मैंने बात की लोगों से, तो उनका यही कहना था कि शांता कुमार अगर नहीं हमारे प्रत्याशी बीजेपी के तो हम किसी और को नहीं, फिर हम कांग्रेस को वोट पाएंगे। तो कहीं ना कहीं पवन काजल के लिए एक खुशखबरी वाली बात है कि कद्दावर नेता शांता कुमार मुख्यमंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ऐसे में इतने बड़े नेता का टिकट कट जाना, और बाद में ये तो चलो महज बातें होती हैं कि लड़ने से मना कर दिया, ये जब हम कार्यकर्ताओं से बात करते हैं उनके और बात की तो उनका यही नाराज़गी थी कि अगर शांता कुमार नहीं तो हमारी वोट कांग्रेस को जाएगी, फिर किशन कपूर को नहीं जाएगी। तो ये सेटबैक है बीजेपी कांगड़ा के लिए भी। बिल्कुल, कुल मिला के अगर चारों सीटों की हम बात करें तो कितना अगर हम 19-20 या 19-21 की अगर बात करते हैं, जिस तरह से बीजेपी के दावे हैं कि हाँ चारों सीटें हम जीत रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी है, केंद्र में भी सरकार उनकी है, तो कोई जाहिर सी बात है दावा उनका भी है, दावा बिल्कुल, उनका भी बिल्कुल। तो किस तरह से ओवरऑल इन चुनावों को किस तरह देखते हैं हिमाचल को लेकर? ओवरऑल अगर मैं जैसे जहाँ जहाँ भी गया हूँ चारों संसदीय क्षेत्र में, तगड़ी लड़ाई मंडी में है, क्योंकि मुख्यमंत्री वर्सेस आश्रय शर्मा हो रहा है। अनुराग ठाकुर, मैं अपनी तरफ से कहूँगा, हमीरपुर कांग्रेस जीत रही है। अगर 4 में सीटों की बात करें, शिमला कांग्रेस जीत रही है, कांगड़ा मैं पहले ही बोल चुका हूँ एक तरफ है, और मंडी में लड़ाई है। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए मेरे हिसाब से हिमाचल बेहतर, इस बार बेहतर। मतलब आपका जो सर्वे ये है वो ये कहता है कि हिमाचल में जो है वो कांग्रेस अच्छा करने वाली है इस बार, भले ही मुकाबले की टक्कर है। मंडी सीट अगर मुख्यमंत्री वर्सेस आश्रय है तो इसको जाहिर सी बात है कि हमीरपुर की जो सीट है वो भी पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं अनुराग ठाकुर, तो वहाँ पे भी इस लड़ाई में ये चीज़ देखने को मिल रही है क्या? जैसे कि अगर भीतर घात की बात कहें, क्योंकि आपने देखा होगा 2017 विधानसभा चुनाव हुए, बीजेपी कभी भी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा जो है घोषित नहीं करता, कभी भी आप पिछला रिकॉर्ड खंगाल लीजिए। ऐसे में 10 दिन रह गए थे, मैं वहीं था, विधानसभा चुनाव कवर कर रहा था, तो 10 दिन जब रह गए थे तो अमित शाह ने रैली करी हमीरपुर क्षेत्र में और वहाँ से प्रेम कुमार धूमल का नाम अनाउंस किया। अब सोचने वाली बात यह है कि प्रेम कुमार धूमल का 10 दिन पहले नाम अनाउंस होना, प्रेम कुमार धूमल का विधानसभा चुनाव में हार जाना, प्रेम कुमार धूमल का नाम अनाउंस होने के बाद 44 सीटें भाजपा का आना, और मुख्यमंत्री का चेहरा हार जाना और प्रदेश का अध्यक्ष हार जाना, ये भीतर घात को दर्शाता है। और इस बार भी बातें हो रही हैं हमीरपुर में कि बीजेपी जो है वो जैसे पिता को हराया
वो इस बार पुत्र को भी हमीरपुर से हटा रही है। ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ये वहाँ के लोगों की बात है और बीजेपी के लोगों की बात है कि अगर अनुराग ठाकुर हारेगा तो उसमें हारने का कारण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का भीतरघात होगा कि जैसे पिता को हराया विधानसभा चुनाव में, अब की पुत्र की बारी है। ये वहाँ के लोगों की आवाज़ है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के बारे में पहले कांग्रेस बटी हुई है, उनके अलग अलग खेमे हैं उनके, वो कहीं वो चीज़ शिफ्ट हो गया अब बीजेपी में आ गई। बिल्कुल यू टर्न मेरे को लगता है इस तरफ हो गया, जैसे सोशल मीडिया पे वो चल रहा था पहले कि पप्पू 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 पिछले 4 सालों से, और वो कहीं ना कहीं यू टर्न होकर प्रधानमंत्री जी की तरफ आया। आपने सुना होगा कि इतना तो शायद ही किसी प्रधानमंत्री के बारे में सोशल मीडिया पर इतनी बातें हुई हों, तो वैसा ही यू टर्न जो अलग थलग कांग्रेस थी वो पिछले 6 महीनों में 7 महीनों में अगर बात करें तो एक हो चुकी है। अब चाहे वो हाई कमांड का डंडा हो, क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं जो हाई कमांड से इनके लिए जो मैसेज दिया गया था वो ये है कि अगर आप संसदीय क्षेत्र चारों जिता के देंगे तो ही आपको विधानसभा वाले चुनाव में जब आएंगे 2022 में तो टिकट समझिए, अगर जो सीट जिसकी भी जाएगी संसदीय क्षेत्र की तो टिकट चाहे वो छोटा नेता हो चाहे बड़ा, ये ऊपर से डंडा। तो ये डंडे चल रहे हैं, इस बार देखिए क्या होता है। कुल मिला के अगर हम ओवरऑल बात करते हैं अब कि किसको फ़ायदा होने वाला है इस बार चुनावों में हिमाचल में, हिमाचल में कांग्रेस को, बिल्कुल कांग्रेस, क्योंकि जो कार्यकर्ता से लेके अगर लीडरशिप की बात करें, क्योंकि आपने सुना होगा वीरभद्र सिंह ने चुनाव प्रचार प्रसार जब शुरू किया था तो उनकी शब्दावली चेंज थी। शब्दावली इसलिए चेंज थी कि अगर वो नामांकन के दिन मंडी में आश्रय शर्मा का नामांकन होता है और नामांकन वाले दिन पंडित सुखराम माफ़ी मांगते हैं वीरभद्र सिंह से, रोने लगते हैं, आश्रय शर्मा की भी आंखें नम हो जाती हैं, और उसके बाद वीरभद्र सिंह मंच पर आते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो है पंडित सुखराम को माफ़ नहीं करूंगा। तो ये एक मैसेज गलत जाता है संसदीय क्षेत्र मंडी के लिए, कैंडिडेट के लिए। बात करें अगर हमीरपुर की तो वीरभद्र सिंह ने, मैं वहीं पर था गांधी चौक पर हमीरपुर में, तो वहाँ पर भी उन्होंने बोला था कि जो रामलाल हैं वो मेरे बगल में तो हैं लेकिन मेरे दिल में नहीं बसते। तो ये चीज़ें काफ़ी सोशल मीडिया पे उठी, लेकिन अगर आखिरी के अगर इन 10 दिनों की बात करूं तो राजा वीरभद्र सिंह बिल्कुल चेंज है। अब तो मंच ठोक के कह रहे हैं कि ये सीट जिता के दीजिए, जैसे उनकी वक्तव्य वो अपना करते हैं मंच पर से कि ये सीट आप जिता के देंगे, और मंच को ठोक के कह रहे हैं। तो ये 10 दिन में बदलाव आया है राजा वीरभद्र में, और कहीं ना कहीं जब पार्टी एकजुट होकर लड़ती है तो फायदा पार्टी को होगा। तो ये थी चुनावी समीकरण हिमाचल की 4 सीटों की, 2 हॉट सीट मंडी की अगर बात करें तो उसके जो समीकरण बन के आ रहे हैं मुकाबला इतना आसान नहीं है। ठीक उसी तरह से हमीरपुर लोकसभा की जो सीट है वहाँ पे भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। शिमला अगर बात करते हैं वहाँ पे भी माहौल कुछ ऐसा ही है, लेकिन कांगड़ा की अगर हम बात करते हैं, कांगड़ा में मुकाबला जिस तरह से मेरे सहयोगी बता रहे हैं कि फिलहाल एक तरफा नज़र आ रहा है। बाकी आज वोटिंग हो रही है, और वोटिंग की भी अगर हम बात करें तो अभी तक करीब 45% जो वोट हैं वो हिमाचल में डाले जा चुके हैं। 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में 64% के करीब वोटिंग हुई थी, और जिस तरह से वोट प्रतिशत अभी बढ़ रहा है, क्योंकि दिन का वक्त है, गर्मी भी पड़ रही है, और मुझे लगता है कि इसके घंटे 1.5 घंटे बाद इस बार चुनावों का जो मतदान का जो वक्त है वो भी 1 घंटा बढ़ाया गया है। अब हमेशा 5 बजे तक मतदान हुआ करता था, इस बार 6 बजे तक मतदान है और लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी और निकलेंगे। एक फैक्टर और है, क्योंकि रोज़ा चल रहा है और जो मोहम्मदन वोट है, जो मुसलमान वोट है, वो अपना रोज़ा जो इफ्तार करके वो फिर 3 बजे के बाद निकलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो आखिरी के 3 घंटे हैं वो वोट प्रतिशत बढ़ेगा हिमाचल प्रदेश में, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है 64% के मुकाबले, 2014 की बात अगर हम करते हैं उसके मुकाबले अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है राजनीतिक विश्लेषकों का या राजनीति के माहिरों का यह माना जाता है हमेशा कि वोट प्रतिशत जब भी बढ़ा है तो वो सरकार के खिलाफ जाता है, यानी इनकम्बेंसी जिसको हम कह सकते हैं, सरकार के खिलाफ नाराज़गी होती है तो वोट जो है लोग बढ़ चढ़ के वोट डालते हैं। तो अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है और जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं तो बीजेपी को इतना आसान नहीं होगा अपने दावों को सही साबित करना।